नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। बीती रात रीवा के समान थाना अंतर्गत पीटीएस चौराहे के पास मोटरसाइकिल का विवाद इतना बढ़ा, दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट। एक पक्ष आरक्षक निकला पुलिस विभाग का, जिसके चलते पुलिस घटना स्थल पर तत्काल पहुंची। मौके पर रीवा के पुलिस कप्तान विवेक सिंह भी पहुंचे। आरक्षक को रीवा के जिला अस्पताल लेकर जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार कराने के बाद आरक्षक की छुट्टी हो गई। जिस तरीके से पिछले दिनों रीवा में देखा जा रहा है, अगर पिछले दिन की बात की जाए तो दिन दहाड़े एक ज्वेलरी की दुकान में महिला जब अकेले बैठी थी तो उसके साथ दो युवकों ने लूटपाट कर ली। उसके बाद शाम ढलते ढलते आरक्षक के ऊपर हमला हो गया, जिसको लेकर तमाम तरीके की बातचीत होने लगी, कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठे। फिलहाल अज्ञात बदमाशों के सोने चांदी की दुकान में लूट का मामला थमा ही नहीं था, आरक्षक की पिटाई का मामला एक बार फिर से सामने आ गया। पीटीएस चौराहे के पास एक आरक्षक सिविल कपड़ों में सब्जी खरीदने पहुंचा था। इसी दौरान वहां कुछ लोग सब्जी खरीद रहे थे, मोटरसाइकिल किनारे खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ और विवाद बढ़ते बढ़ते मारपीट में बदल गया। पुलिस ने मारपीट करने वाले आरोपियों की तलाश कर ली है, उनकी पहचान कर ली है। पुलिस को उम्मीद है उनकी वो तत्काल गिरफ्तारी करने का भी प्रयास कर रही, हालांकि अभी मारपीट करने वाले फरार हैं। दोनों ही मामलों की बात की जाए तो अभी पुलिस आरोपियों को पकड़ने में कामयाब नहीं रही। पूरे मामले को लेकर हमने पुलिस कप्तान विवेक सिंह से बात की, सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। एक आरक्षक जो कि सीसीटीएन शाखा में पदस्थ ऑफिस में, उसके साथ मारपीट की है दो लोगों ने, और जिसमें अभी उसमें FIR वगैरह किया जा रहा है आरक्षक की तरफ से, और उसमें जैसा पाएगा वो वैसे कार्रवाई इसमें की जाएगी। अभी तक ये पता चला है कि वहीं पे तत्कालिक एक विवाद हुआ था और जिसकी वजह से इन दोनों लोगों ने आरक्षक के साथ मारपीट किया। सर, विवाद का कारण कुछ पता चल रहा है? विवाद का कारण था कि आरक्षक ने जो आरोपी है उसकी गाड़ी को साइड करने के लिए बोला था, और शायद उसी बीच में कुछ हुआ है। उसके बाद जब आरक्षक अपना गाड़ी रोक के सब्जी खरीद रहा था तो उसके साथ उसमें मारपीट की गई थी, और आरक्षक उस समय क्योंकि ऑफिस में था और सिविल में था और अपने पर्सनल काम से वहाँ गया हुआ। क्या आरोपी की पहचान हो पाई? बिल्कुल, आरोपी की पहचान हो गई और साइज में पाया। घटना कहाँ की सर? जी, घटना कहाँ की सर? घटना ये पीटीएस चौराहे के पास की। ताज़ातरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।